हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया उपन्यास रफ्तार का पार्ट 18। और पुलिस ट्रेनिंग में ये बात भी बताई जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर चाकू का वार सामने वाले को घायल करने के लिए कहाँ किया जाना चाहिए और ख़त्म करना हो तो वार कहाँ करना चाहिए। क्या मतलब? ओमवीर, कांस्टेबल ओमवीर तिवारी ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। बोला कुछ नहीं, पहले अमृतपाल को देख लें, बात नहीं बनी तो मेरा विश्वास करो, वो ओमवीर ही है जिसके पास हीरे पहुंच चुके हैं और हम उस तक ना पहुंचे। इसके लिए वो हम सबको ख़त्म करना चाहता है या फिर डर डरा कर हमें हीरो की तलाश से हटा देना चाहता है। रंजन तिवारी एक एक शब्द चबाकर कह उठा। एक दिन पहले की बात है, जब पूजे सिंह अमृतपाल के साथ अपने गांव पहुंचा, शाम के 6 बज रहे थे। वो कच्चा पक्का गांव था, दूर दूर तक खेत खलियान लहराते नजर आ रहे थे। गांव में ही छोटा सा बाजार था जहां 15-20 दुकानें आमने सामने बनी हुई थी। गांव वालों की छोटी ज़रूरतों की चीज़ें वहां मिल जाती थी। कोई बड़ी चीज़ ज़्यादा कीमत वाली चाहिए हो तो 6-7 किलोमीटर दूर कस्बे तक जाना पड़ता था। लो उस्ताद जी, बुझे सिंह खुशी खुशी कह उठा। पहुँच गए गांव, शहरी भूतों से तो पीछा छूटा, और गांव के भूत बहुत शरीफ होते हैं जी। एक मुट्ठी आटा भी दे दो तो मेहरबानी देकर चले जाते हैं। अमृतपाल ने कुछ नहीं कहा, मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी हमें देखकर। देखना, उसके पांव ज़मीन पर नहीं पड़ेंगे, ऐसे लगेगा जैसे हवा में उड़ रही हो। खुशी से सुबह तक सबको पता चल जाएगा कि बुझाया आ गया है और वो सारे मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार करेंगे कि बुझाया का हालचाल पूछे, शहर की खबरें मालूम हो उन्हें। बुझाया जब गांव आता है तो आधा गांव खुश हो जाता है, आधा गांव? अमृतपाल मुस्कुराया। पूरा क्यों नहीं खुश होता? वो बात ये है कि उस्ताद जी कि बाकी का आधा गांव खाने कमाने में लगा होता है, उनके पास फुर्सत ही कहाँ होती है खुश होने की। सुबह खेतों में गए और शाम को थके टूटे आकर चारपाई तोड़ दी। कई बार तो आस पड़ोस की औरतें मेरे पास आती है कि रात को तेरे चाचे ने चारपाई का पाया तोड़ दिया, इसे ठीक करवाऊं या नया लगवा दूं? बहुत पूछ है तेरी? बहुत जी बहुत, बुझे सिंह छाती पर हाथ मारकर बोला। एक बार तो पड़ोस में लड़की का ब्याह था, मुहूर्त निकला जा रहा था और लड़की मंडप में बैठने को तैयार नहीं थी। कहती थी जब तक बुझाया कस्बे से नहीं लौटेगा तब तक मैं फेरों पर नहीं बैठूंगी। बहुत समझाया सबने पर वो थी कि मानी नहीं, सब परेशान हो गए। फिर मैं आया तो उसने फेरे लिए, ब्याह किया। तेरे आने पर उसने फेरे क्यों लिए? वाजी वाह, मेरे आने से पहले वो फेरे कैसे ले सकती थी? जो साड़ी डालकर उसने फेरे लेने थे उस साड़ी का फोल नहीं लगा था और गांव की दुकान पे उस रंग का फोल नहीं था, तो मैं उसकी साड़ी लेकर साइकिल पर कस्बे में गया था, फोल लगवा कर लाया। वो साड़ी उसने पहनी और फिर फेरे लेकर अपने ससुराल गई। मान गए तेरी पूछ को? सिगरेट सुलगा कर दी, बुझे सिंह ने सिगरेट सुलगा कर उसे दी।
अब तेरा गांव कहाँ है? वो रहा उस्ताद जी, वो रहा जहाँ बड़ा सा आम का पेड़ नजर आ रहा है, उस पर सावन का झूला पड़ा हुआ है और गांव की नटखट लड़कियाँ झूला झूल रही हैं। थोड़ा सा आगे जाकर बाएं को मोड़ लेना, सीधी सड़क 2 मिनट में ही गांव में पहुंचा देगी। कुछ देर बाद ही टेम्पो गांव में प्रवेश कर गया। बुझे सिंह रास्ता बताता रहा। टेम्पो कच्ची पक्की गलियों से होता हुआ आगे बढ़ता रहा। उस्ताद जी, फुर्सत दे वक्त टेम्पो नू खोल खाल के देखेंगे कि कहीं हीरे न पड़े हो। अब नहीं है टेम्पो में हीरे, किसी ने निकाल लिए हैं। पहले जरूर थे, तब हमें मालूम नहीं हुआ। फिर भी उस्ताद जी, देख लेने में क्या हर्ज है, लेकिन तोते वाले ज्योतिषी की बात तो सच हो गई कि मेरी बहन का ब्याह जिसके साथ होगा उसके पास एक बार बहुत बड़ी दौलत आएगी। ये अलग बात है कि वो दौलत को संभाल पाता है या नहीं, और आप नहीं संभाल पाई। कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होना ही है। अब आप ये बताओ कि तोते वाले ज्योतिषी के मुताबिक आप मेरी बहन से ब्याह कब कर रहे हैं? बुझाया तू? देखो उस्ताद जी, अब मौका भी है, फुर्सत भी है, पूरा वक्त है, हनीमून का भी। मैं तो चारपाई बाहर बिछा लिया करूँगा कि आपको कोई डिस्टर्ब न करे। सुबह उठने में देरी हो गई तो कोई बात नहीं, नाश्ता पड़ोसी के यहाँ कर लिया करूँगा। हाँ, कर देने में भलाई ही भलाई है। 10,000 की गड्डी है पास में। ब्याह में जो 1-2 हज़ार का खर्चा होगा वो गड्डी में से ही। गड्डी निकाल। क्या? गड्डी मेरे को दे, 10,000 की। वो तेरे लिए नहीं है, टेम्पो की सीटों के कवर लगवाने के लिए है। तू टेम्पो पर तनख्वाह पर है, पार्टनर नहीं है मेरा। वाह उस्ताद जी, मुझे सी जेब से गड्डी निकालता हुआ बोला। माल मालका दा और मजे तुसी लो। मेरी किस्मत में तो टेम्पो का झाड़ू पोछा ही लिखा है। बस वो काले वाले गेट के पास टेम्पो रोक दो, वो ही घर है मेरा। अमृतलाल ने टेम्पो वहीं ले जाकर रोका। देखो उस्ताद जी, वहाँ मुझे टेम्पो का कोई काम करने को मत कहना। दरवाजे खिड़कियाँ तुसी ही बंद करके आना। गांव में इज्जत है मेरी, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि बुझाया दूसरे के टेम्पो की खिड़कियाँ दरवाजे बंद करता फिर रहा है। अमृतलाल ने मुस्कुराकर इंजन बंद किया और चाबी जेब में डाल दी। मैं अंदर जा रहा हूँ, तुसी भी आ जाना उस्ताद जी। कहने के साथ ही बुझाया दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और आगे बढ़कर टूटा पुराना काला गेट धकेलता हुआ भीतर प्रवेश कर दिया। ओ चंद्रकांता, कहाँ है भाई तू? देख तेरा भाई आ गया, खुश हो जा। वाह भाई वाह, टेम्पो का काम खत्म करके 10 मिनट बाद अमृतलाल मकान में प्रवेश कर गया। कच्चा सा घर था, मिट्टी के गारे पर ईंट रखकर दीवार खड़ी की गई थी। छत की जगह लोहे की चादरें डाल रखी थी। फर्श मिट्टी का था, जगह अवश्य थोड़ी सी खुली थी। सामने ही कमरा था। अमृतपाल भीतर प्रवेश कर गया। बुझे सिंह अपनी बहन चंद्रकांता से हंस हंस कर बातें कर रहा था। चंद्रकांता पर निगाह पड़ते ही अमृतलाल का दिल जोरों से धड़का। दिल से मिले दिल, वो थी ही इतनी खूबसूरत, चेहरे पर से नजरों ने हटने का नाम ही नहीं लिया। भरी पूरी नदी में जैसे जोरों का उफान आ गया हो, कुछ ऐसा था चंद्रकांता का पूरा हाल। चंद्रकांता की नज़रें अमृतपाल पर पड़ी तो बहुत देर कर दी, मेहरबा आते आते। कुछ ऐसा ही हाल हो गया चंद्रकांता का। भरा पूरा पाका जवान,
उसके सामने खड़ा था, जैसा कि अक्सर वह अपने सपनों में देखती थी। उसके दिल के तारों का पूरा बंडल झंझना उठा। आँखों के रास्ते बिना कहे ही एक दूसरे की बातें पल भर में ही दिलों तक पहुंच गई। उस्ताद जी, बुझे सी कह उठा, देख लिया आपने गरीबों दा मकान, और ये है मेरी बहन चंद्रकांता। वैसे पहचान तो लिया होगा कि मेरी बहन ही है। वो बात ये है कि देखने वाले कई बार धोखा खा जाते हैं कि ये बुझाया की बहन कैसे हो सकती है। वो बात ये है उस्ताद जी कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ का रंग सांवला था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ ने पाउडर लगाना शुरू कर दिया तो रंग गोरा होने लगा। और जब ये मेरी बहना पैदा हुई तो माँ ने पाउडर लगा रखा था, तभी इसका रंग गोरा है और मेरा सांवला। छोटी सी बात है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस मामले में। अमृतपाल सिर हिलाकर रह गया। चंद्रकांता पर से नजरें हटाता तो पुनः उस पर जा टिकती। नजरें बेकाबू हुई, हद से बाहर होती जा रही थी उसकी। तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? हाथ जोड़कर नमस्ते कर, मेरे उस्ताद जी आए हैं। चंद्रकांता ने फौरन हाथ जोड़कर मुस्कुराकर कहा, नमस्ते जी, क्या मुस्कान है। अमृतलाल को लगा, क्या मुस्कान है। अमृतपाल को लगा पागल हो जाएगा वह। उस्ताद जी, मेरी बहन पूरी छकला से पढ़ी है, अखबार पढ़ लेती है, किताबें पढ़ लेती है। एक बार तो गांव में पुलिस ने डाकू की फोटो लगाकर 2,500 का इनाम भी उस पर छाप दिया था, तो इसने पढ़कर मुझे बता दिया था कि जो उस डाकू को पकड़ेगा उसे 2,500 रुपया मिलेगा। वो अलग बात थी कि डाकू को सतपाल ने पकड़ लिया और इनाम मुझे नहीं मिला। तू अभी तक खड़ी है उस्ताद जी, क्या नीचे बैठेंगे? वो टूटी हुई कुर्सी ला दे। अमृतपाल फौरन नीचे बैठ गया। नीचे ही बैठ गए उस्ताद जी। कोई बात नहीं, आखिर टूटी कुर्सी पर कब तक बैठा जाता? नीचे दर्द होने लगती तो बाद में तो नीचे बैठना ही पड़ता। तू अभी तक खड़ी है, पानी पिला उस्ताद जी को। चंद्रकांता पलटी और कमरे से बाहर निकलती चली गई। मज़ा आ गया घर की जमीन पर बैठकर। क्यों उस्ताद जी, तुसी बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। रात को नहाने में मज़ा आता है, गांव में बहुत ठंडी हवा चलती है रात को। बुझे सिंह उठा और बाहर निकल गया। तभी चंद्रकांता पीतल के बड़े गिलास में पानी लाई, पास पहुंची, नीचे झुककर पानी का गिलास आगे बढ़ाया। दोनों की नजरें मिली, मीठी मीठी घंटियां बजने लगी। आप आज तक कहाँ थे मेरे सरताज? तुम्हारी ही तलाश में भटक रहा था चंद्रकांता। मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे? ऐसा मत कहो चंद्रकांता, मैं तो तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाने आया हूँ। अमृतपाल ने हाथ बढ़ाकर पानी का गिलास थामा। हाथों की उंगलियाँ आपस में टकराई तो चंद्रकांता ने शर्माकर सिर झुका लिया। अमृतलाल ने पानी का गिलास होठों से लगाया और उसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें टिकाए, गिलास खाली कर दिया। चंद्रकांता ने पल भर के लिए नजरें उठाई तो उसे अपनी तरफ देखता पाकर पुनः शर्माकर सिर झुका लिया। चंद्रकांता, पुजे सिंह भीतर प्रवेश करता हुआ बोला। चंद्रकांता अमृतपाल से खाली गिलास थामकर खड़ी हो गई। अब तो चाय पीने का वक्त निकल चुका है, चाय बनाकर क्यों दूध चीनी और चाय की पत्ती खराब करती है? सीधे सीधे रोटी बनाने की तैयारी कर, शहर में हम मक्खन के बिना रोटी नहीं खाते। खैर, यहाँ पर तड़का तो डालडे का लगा लेना, और वो जो शुद्ध घी का डब्बा
मैं पिछली बार लाया था उसमें से थोड़ा सा घी दाल सब्जी के ऊपर डाल देना, खुशबू से ही दिल को तसल्ली देकर काम चला लेंगे। अमृतपाल और चंद्रकांता की नज़रें मिली। अपने सरताज की दाल सब्जी में शुद्ध घी में ही बनाऊंगी। मुझे शुद्ध घी का क्या करना चंद्रकांता, तू मिल गई तो मुझे लग रहा है जैसे मुझे दूध और घी की नदी मिल गई हो। तेरे हाथों की सूखी रोटी खाकर भी मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे होते हुए सूखी रोटी खाएंगे आपके दुश्मन, सूखी दे गीली दे। अब तो तेरा अमृतपाल तेरे हवाले है चंद्रकांता, जो देगी ले लूँगा, जैसे रखेगी रख लूँगा। बस मेरे से जुदा मत होना, मेरी बनकर रहना। जुदाई का शब्द फिर कभी होठों पर मत लाइएगा, हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तो मर ही जाऊंगी आपसे जुदा होने की सोच कर। रोटी वगैरह की तैयारी कर, उस्ताद जी को वक्त पर रोटी मिलनी चाहिए। क्यों उस्ताद जी, एक दूसरे की आंखों में जागती, दोनों की आंखें हटी। चंद्रकांता गिलास थामे कमरे से बाहर निकल गई। क्यों उस्ताद जी, कैसा लगा? क्या अमृतपाल के होठों से निकला, मेरा गांव मेरा घर बहुत अच्छा। चंद्रकांता के सपनों में खोया अमृतपाल कह उठा, क्यों मजाक करते हो उस्ताद जी, मुझे सीने दांत दिखाए। गांव तो आपका बढ़िया है, कितना बड़ा खुला मकान है आपका, वो भी पक्का, कितने ज़्यादा कमरे हैं, एक कमरे में तो डबल बेड भी है। मेरा तो वहाँ बहुत दिल लगता है, बहन से ना मिलना होता तो हम वहीं जाते, आपके गांव। बुझाया, मेरा गांव तो बेकार है, जो यहाँ है भला वो मेरे गांव में कहाँ। अमृतपाल ने गहरी सांस ली। ये बात तो है, हमारे गांव में तोते वाला ज्योतिषी ही है, वो आपके गांव में नहीं है। कल जाऊंगा उससे मिलने, वो मुझे देखकर बहुत खुश होगा। देखूंगा उसने शादी ब्याह करवाने का जो नया बिजनेस खोला है वो चला है कि नहीं। हो सकता है शायद चंद्रकांता के लिए उसने अच्छा सा रिश्ता संभाल रखा हो। अमृतपाल के दिल पर छुरियां चलने लगी। उसके बाद तो जब जब अमृतपाल के सामने चंद्रकांता आती तो दोनों के दिल बातें करने लगते और होठ एकदम बंद, ना इधर चैन ना उधर चैन। अगले दिन सुबह दिल से दिल फिर टकराने लगे। अमृतलाल और बुजे सिंह ने नाश्ता किया कल वाले ही सादे से सूती सूट में। चंद्रकांता चांद का टुकड़ा लग रही थी। दोनों के दिल एक दूसरे को देखकर गाने गा रही थी। उस्ताद जी, बुझे सिंह कह उठा, चलो तोते वाले ज्योतिषी के पास चलते हैं। तू जा तुसी, मैं आराम करूँगा। बुझाया, तोते वाले ज्योतिषी से फिर मिल लूँगा। ठीक वे तुसी कम से कम जाने के वास्ते हाँ तो की। ओ चंद्रकांता 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 फौरन हाजिर, मैं तोते वाले ज्योतिषी के पास जा रहा हूँ, तेरे लिए शायद कोई बढ़िया सा रिश्ता मिल जाए। उस्ताद जी आराम करेंगे, इनकी चाय पानी का ख्याल रखना, फिक्र नहीं कर, बहुत शरीफ बंदे हैं नी उस्ताद जी। चंद्रकांता सिर हिलाकर रह गई। पूजे सिंह बाहर निकल गया। अमृतपाल और चंद्रकांता की नज़रें मिली। मिले दो दिल मिले, अब कोई गम नहीं। मेरे सरताज तुसी आराम करो, मैं दोपहर का खाना तैयार कर लूँ। मैं भूखा रहना गवारा कर लूँगा, तेरी सूरत मुझसे दूर हो जाए ये मैं नहीं सह सकता। कैसी बातें करते हो जी, मेरे होते हुए भूखे रहे आपके दुश्मन। न जाओ चंद्रकांता, कुछ पल रुक जाओ, बैठ जाओ मेरे पास।
चंद्रकांता के चेहरे पर शर्म की लाली उभरी और दुपट्टा होठों से दबाती हुई पलटी और दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। चंद्रकांता को गया पाकर अमृतपाल तड़प उठा। कुछ पल बीते, जब उससे न रहा गया तो वो उठा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिधर चंद्रकांता गई थी। चंद्रकांता को उसने पीछे वाले आंगन में चारपाई पर बैठे सब्जी काटते पाया। अमृतपाल पास पहुंचकर चारपाई के कोने में बैठ गया। थोड़ा सा इधर होकर बैठिए मेरे सरताज, कोने से आप नीचे गिर जाएंगे। तेरे कदमों में जान निकले तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। छी, कैसी बातें करते हो, तुसी बूढ़े हो जाओगे तो भी मने नहीं दूंगी। सावित्री की तरह यमराज के हाथों से भी छीन कर ले आऊंगी। अमृतपाल बेचैन सा तड़प कर कह उठा, चंद्रकांता मेरे सरताज। चंद्रकांता के होठों से प्यार की गहराइयों में लिपटे शब्द निकले। ब्याह की कौन सी तारीख पक्की करूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अमृतपाल प्यार से पागल हो उठा था। सरताज, चंद्रकांता के होठों से शब्द निकले, हमें मोहरत और तारीख से क्या लेना देना। आज से अच्छा शुभ दिन कौन सा हो सकता है। मंदिर चलकर पंडित से 10 मिनट में ब्याह करवा लेते हैं। अभी चले, जैसा मेरे सरताज का हुक्म, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। सिर झुकाए शर्म में डूबे शब्दों में कहती हुई चंद्रकांता उठी और वहाँ से भागती चली गई। अमृतपाल दीवानों की तरह उसे जाते देखता रहा। बुझे सिंह दोपहर 3 बजे लौटा। तब तक ब्याह के पश्चात अमृतपाल और चंद्रकांता सुहाग दिन भी मना चुके थे। ओ चंद्रकांता भाई, रोटी वगैरह दे, बहुत भूख लग गई है। मुंबई में तो अब तक खा पी कर हजम भी हो जाती थी रोटी। साथ में तेरे को खुशखबरी भी सुनाता हूँ। तोते वाले ज्योतिषी ने बोला है आज तेरे ग्रह बहुत अच्छी हालत में आ गए हैं। अगर आज तेरी शादी हो गई तो जिंदगी भर तू रानी बनकर रहेगी। साथ ही तोते वाले ज्योतिषी ने एक लड़का भी बताया है, शाम तक ब्याह हो जाए तो तेरी किस्मत जाग जाएगी। ये भी सुन ले, अगर आज तेरा ब्याह न हुआ तो ग्रहों के अनुसार अगले 50 बरस तक तेरी किस्मत में ब्याह का योग नहीं है। तू रोटी दे, पेट भर जाएगा तो मिल बैठ कर फैसला कर लेते हैं कि क्या करना है। घर में आने के बाद कहते हुए मुझे चारपाई पर आ बैठा। कोई आवाज़ नहीं आई जवाब में सुनने को। चंद्रकांता कहाँ है तू, पुजे सिंह ने फिर पुकारा। उस्ताद जी, तुसी कहाँ गुम हो गए, कोई आवाज़ नहीं। कमाल वे कई चंद्रकांता, उस्ताद जी को हमारे गांव के लहलाते खेत दिखाने तो नहीं ले गई, या तो भूख के मारे जान निकल रही है। वो कहीं खेती में गन्ना चूस रहे होंगे। बुझे सिंह गहरी सांस लेकर उठा और घर का फेरा लगाने के इरादे से आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे का दरवाज़ा बंद मिला। कौन है अंदर, पुजे सिंह ने दरवाज़ा थपथपाया। तीसरी बार थपथपाने पर भीतर से चंद्रकांता की आवाज़ आई, पराजी मैं हूँ अंदर, तू अंदर क्या कर रही है। मैं कब से आवाज़ें मार रहा हूँ कि मुझे भूख लगी है, आज खाना नहीं बना, किसी के घर से खाओ। पागल तो नहीं हो गई चंद्रकांता, खाना नहीं बना, मेरे उस्ताद जी क्या सोचेंगे कि बुझाया के घर जाकर भी भूखे रहे। मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात हो जाएगी, उनको तो आज भूख नहीं है। कमरे के भीतर से चंद्रकांता की आवाज़ आई, कमाल वे उस्ताद जी को भूख नहीं है, ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे भूख लगे और उस्ताद जी को न लगे, पर ये बता तू कमरे में क्यों बंद हुई पड़ी है। उस्ताद जी खेतों में तो नहीं चले गए। जी वो तो मेरे पास है पराजी, पास है। पुजे सिंह के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे।
कापे पास है, कमरे में। कमरे में क्या मतलब? दरवाज़ा बंद करके तुसी दोनों कमरे में बंद हो। बुझे सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तभी दरवाज़ा खुला और चंद्रकांता नजर आई। कपड़े तो वे ही पहने हुए थे, परंतु मांग में सिंदूर लगा हुआ था। चेहरे पर शीशे जैसी ऐसी चमक थी कि बयान कर पाना संभव नहीं था। चंद्रकांता की मांग में सिंदूर लगा देखकर पुजे सिंह की आंखें फैल गई। ये क्या कर लिया तूने, उसके होठों से निकला। ब्याह कर लिया पराजी, वो बहुत अच्छे हैं। वो कौन? उस्ताद जी। उस्ताद जी तो आपके हैं, मेरे तो वो हैं बुझे सिंह, खुशी से भर उठा। वाह भाई वाह, तोते वाले ज्योतिषी ने ठीक ही कहा था, जब तेरा ब्याह होगा तो झटपट हो जाएगा। मैं भी तो सोचूं कि आते वक्त गली में लोग मुझे बधाइयाँ क्यों दे रहे थे। भूख लगी थी तो पूछने का टाइम नहीं मिला कि बधाइयाँ क्यों दे रहे हो। वो सब ब्याह में शामिल थे, मंदिर साथ गए थे। समझ गया समझ गया, बहुत बढ़िया हो गया। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं भी ब्याह में ही था। ये बता कि फेरे पूरे लिए या जल्दी में एकाध कम ले लिया? पूरे लिए। चंद्रकांता, भीतर से अमृतपाल की आवाज़ आई। आई जी, कहने के साथ ही चंद्रकांता पलटकर भीतर चली गई। बुझे सिंह हाथ बांधे वहीं खड़ा रहा, बहुत खुश था वह। तभी चंद्रकांता दरवाजे पर नजर आई और हाथ में पकड़े रुपए उसे थमाते हुई बोली, पराजी ये रुपए उन्होंने दिए हैं, उनके लिए कस्बे से कमीज पेंट और मेरे लिए दो सूटों का बढ़िया सा कपड़ा ले आओ अभी। वो कह रहे हैं ढाबे पर मक्खन डालकर खाना खा लेना, मेरे और इनके लिए मक्खन डालकर पैक करा लाना, ठीक वे? बुझेसी ने नोट पकड़कर सिर हिलाया, अभी गया और अभी आया। पराजी पराजी, चंद्रकांता ने शर्माकर मुंह घुमा लिया। वो एक बात और भी कह रहे हैं। क्या? बोल बहना। वो कह रहे हैं अपनी चारपाई बाहर गेट के पास बिछा लेना, भीतर आना हो तो चार बार खास कर आना या फिर जोर से आवाज़ मार के। समझ गया समझ गया, मैं तो पहले से ही गेट के पास सोने की सोच रहा था, वहाँ पे रात को बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो मैं कस्बे में जाकर सामान लेकर शाम के 6 बजे तक आ जाऊँगा। बहुत अच्छे ग्रहों में तेरा ब्याह हुआ है, रब तेरे को खुश रखे, रब तेरे को सुखी रखे। मेरी कोशिश रंग ले आई, आखिर उस्ताद जी ने जिंदगी भर का मेरे खाने पीने का ठेका ले ही लिया, लेते भी क्यों नहीं, अब तो साला बन गया हूँ उस्ताद जी का। चंद्रकांता, पीतर से अमृतपाल की आवाज़ आई, मेरा टाइम खराब हो रहा है, जिया जी को बोल। बुझे सिंह जल्दी से कह उठा, बुझाया कस्बे चला गया सामान लाने। कहने के साथ ही वो पलटा और बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ खुशी से बड़बड़ा उठा, मेरी बहन का घर बस गया। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, सिर से सारा बोझ उतर गया खाने कमाने का। सबसे पहले तो कस्बे में पहुंचकर ढेर सारा मक्खन डालकर सब्जी में रोटी खाऊंगा, खुशी में खाने की पार्टी अकेले ही कर लूंगा। अब उस्ताद जी के पास टेम कहाँ, वो तो गृहस्थी वाले बन गए हैं, पर जो भी हो मज़ा आ गया। चौधरी से साइकिल मांग लेता हूँ कस्बे जाने के लिए, अब तो जिया जी कोई सेकंड हैंड साइकिल भी खरीद देंगे मेरे को, साला हूँ अब टेम्पो वाले का, कोई मजाक थोड़े ना है। शाम के 6 बज रहे थे, बुझे सिंह साइकिल पर कस्बे से गांव में वापस लौटा। पीछे कैरियर में सामान फंसा रखा था जिसे कि बार बार हाथ पीछे करके छूकर देख लेता था कि कहीं सामान गिर तो नहीं गया। बहुत खुश था कि बहन की शादी हो गई और वो भी उस्ताद जी के साथ। अभी उसने गांव में प्रवेश ही किया था कि उसकी निगाह सामने से आती कार पर पड़ी।
तो उसने तुरंत ब्रेक मार कर साइकिल रोक दी। उसे लगा इस कार को तो उसने देख रखा है, और जब कार पास आई तो पहचान लिया कि इन्हीं कार वालों ने उन्हें 10,000 की गड्डी दी थी। कार पास आकर रुकी। देवराज चौहान और रंजन तिवारी बाहर निकले। ये तो यहीं मिल गया। रंजन तिवारी के होठ सिकड़े, ढूंढना नहीं पड़ा। उन्हें देखते ही बुजे सिंह खुश हो उठा। आओ जी आओ, बहुत ही चंगे मौके पर आए। आज का दिन तो बहुत ही किस्मत वाला है। आज मेरी बहन की शादी हो गई उस्ताद जी के साथ। बहुत अच्छे हैं उस्ताद जी, नहीं तो गरीबों की लड़की से बिना पैसे के कौन ब्याह करता है। एक पैसा भी नहीं लिया उस्ताद जी ने, अपने पल्ले से खर्च कर रहे हैं। वो आपने 10,000 की गड्डी दी थी ना, उसी से सारा काम चल रहा है। खबर मिल गई होगी आपको मेरी बहन की शादी की, तभी तो फटाफट आ पहुँचे। आओ जी आओ, घर पे चलते हैं। दोनों को आशीर्वाद देना। 150 शगुन के तो उनके हाथ पर रख ही दोगे। आज का खर्चा बाहर बाहर से ही निकल आएगा। रंजन तिवारी ने देवराज चौहान को देखा। बहुत चालाक बन रहा है, ऐसी बातें करके कि हम ये शक न करें कि हीरे इनके पास है, तिवारी बोला। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिगरेट सुलगा ली। चलो जी घर पर चलो, शर्माने की क्या जरूरत है, अपना ही घर समझो। आओ जी आओ। उन्होंने कार वहीं छोड़ी और बुजे सिंह के साथ चल पड़े। बुजे सिंह खुशी खुशी साइकिल थामे उनके साथ था। मैंने तुम दोनों को कहा था कि अपने उसी कमरे में रहना, देवराज चौहान बोला। गांव में क्यों आए, अब आपको क्या बताएं जी। जो भी होता है सब ऊपर वाले के इशारे पर होता है। ग्रह बहुत ही बलवान होते हैं। आपके साथ तो मैं लड़ाई कर सकता हूँ, लेकिन ग्रहों के साथ कौन लड़े। वो क्या है जी, ऊपर वाले ने मेरी बहन का और उस्ताद जी की शादी का आज का मुहूर्त निकाला था। यही बात रही कि ग्रह हमें कमरे में न ले जाकर गांव में ले आए, और आज इन दोनों का ब्याह हो गया। मैं तो तोते वाले ज्योतिषी के पास गया हुआ था। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं ब्याह में शामिल न हो सका। मोहल्ले वाले हो गए, ऊपर वाले का खेल है सारा। खैर, बहन का घर बस गया, सारी उम्र के लिए मेरी भी रोटी पानी का जुगाड़ हो गया। मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये सब देखकर कितना खुश होते कि बुजाया ने सब ठीक कर दिया। बहुत चालू है ये, रंजन तिवारी धीमे स्वर में देवराज चौहान के कान में बोला। बीमा कंपनी के मैंने ऐसे कई केस सुलझाए हैं जिसमें अपराधी अपनी हरकतों और बातों से खुद पर शक नहीं होने देता कि सब कुछ उसी का किया धरा है। यह मामला भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये जानबूझकर बोलेपन की बातें कर रहा है। देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया। तुम मुस्कुरा रहे हो, रंजन तिवारी के स्वर में उखड़ापन आ गया। तुम यहाँ अपनी तसल्ली करने आए हो, देवराज चौहान बोला। हाँ तो करो, और तुम मेरी हो चुकी है, हीरे इनके पास नहीं है। देवराज चौहान का स्वर शांत और पक्का था, मतलब कि हीरे ना इनके पास है और ना ही टेम्पो में है। हाँ टेम्पो में भी नहीं है, स्टेपनी में थे और कोई स्टेपनी बदल चुका है। तुम देखना हीरे इनके पास से निकलेंगे, मैं ही निकालूंगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। उन्हें धीमे से बातें करते पाकर बुजे सिंह बड़बड़ा उठा। ये आपस में तय कर रहे होंगे कि शगुन कितना डालना है। अमृतपाल और चंद्रकांता नहा धोकर आंगन में चारपाई बिछाई शाम की ठंडी हवा में अपने मधुर सपनों में खोए बातें कर रहे थे। चंद ही घंटों में चंद्रकांता की खूबसूरती में और भी निखार आ गया था। मांग में चमकता सिंदूर बहुत सज रहा था उस पर। सुनिए जी, चंद्रकांता ने मीठे मधुर स्वर में पुकारा। कहो मेरी चंद्रकांता। अमृतपाल प्यार के सागर में डूबा हुआ था।
आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे? आपका प्यार कम तो नहीं होगा? कैसी बातें करती हो चंद्रकांता, हम तो बने ही एक दूजे के लिए हैं। आगे के शब्द अमृतपाल के होठों में ही रह गए, हक्की बक्की हालत में मुंह खुला ही रह गया। प्यार का भूत गधे के सिर से सिंह के बाती गायब हो गया। उसने बुझे सिंह के साथ देवराज चौहान और रंजन तिवारी को भीतर प्रवेश करते देखा तो चेहरे पर से कई रंग आकर चले गए। उस्ताद जी देखो, मेहमान आए हैं। आज की कहानी यहीं तक। कहानी का आगे का भाग अगले अंक में।